स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर हमारा है 5, फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें हमारा पार्ट 2 रहेगा, बहुत छोटा है ये, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे सभी फ्रेंड्स तक ये पहुंच सके और आपके सभी फ्रेंड्स को हेल्प हो और वो भी बोले कि वाह क्या वीडियो है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, तो जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं वो उन्हें कहा जाता है एनिमल फाइबर, जैसे वूल और सिल्क। तो ये कौन कौन से जानवरों से हमें मिलते हैं? फ्लीस ऑफ शीप, यानी कि शीप का जो कोट होता है ये वाला, जिसमें उसके बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो ये वाले एरिया से हमें वूल मिलता है। अंगोरा रैबिट, लामा, अप्लेका एंड कैमल हेयर, ये सारे जगहों से हमें एनिमल फाइबर जो है वो हमें मिलता है। ये जो है काफ़ी वर्सेटाइल होता है, ड्यूरेबल भी होता है और इलास्टिक भी काफ़ी होता है। सो स्टूडेंट्स, वूल जो है उसके साथ क्या क्या बनाया जाता है? शॉल बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स, कारपेट, कार्डिगन्स, स्वेटर, ग्लव्स, सॉक्स, काफ़ी सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, सॉक्स बनाई जाती हैं। और इसके अलावा जो जानवरों से हमें सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क इज़ कंसिडर्ड क्वीन ऑफ द फाइबर्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल, साड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, स्कार्फ्स बनाने में, ग्लव्स बनाने में। इट कीप अस वॉर्म इन विंटर एंड कूल इन समर, तो इससे क्या होता है, ये हमें सर्दियों में गर्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखता है। तो ये जिस प्रोसेस से हमें सिल्क मिलता है, सिल्क वॉर्म से, उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। ओके, उसको क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर कहा जाता है उसको। तो अब बताएंगे हमारे इंडिया में सिल्क कैपिटल किसको कहा जाता है। ओके, सो लेट्स, इसका जो है छोटा सा पार्ट रहता है बस। सो नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो है वो जनरली स्ट्रॉन्गर रहता है, लेकिन काफ़ी चीप होता है, काफ़ी सस्ता रहता है। इसमें रिंकल नहीं होते, जिससे इसको आयरन करने की भी जरूरत नहीं होती। वेरी ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक चलता है सिंथेटिक फाइबर, और ये जल्दी ही लेकिन इसमें जो आग है वो बहुत जल्दी लगती है। दे कैच फायर ईजिली, ये बहुत ईजिली फाइबर जो है उसको कैच कर लेते हैं फायर को। नेचुरल फाइबर जो है वो इतना जल्दी कैच नहीं करते। सो नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर, रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको कहा जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर है, उसका इस्तेमाल बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में किया जाता है, जैसे रोप्स बनाने में, रॉक क्लाइंबिंग के लिए मेकिंग, पैराशूट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, फिशिंग नेट बनाने में इस्तेमाल होता है इसका। पॉलिएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्या क्या बनाने में? रोप्स, नेट्स, रेनकोट, जैकेट्स एटसेट्रा। रेयन को मिक्स करके कॉटन के साथ बेडशीट बनाई जाती है, दैट इज वेरी वेरी फेमस बेडशीट्स। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे एज अ पीडीएफ मिल जाएंगे अपने क्लास 6 को। वहां से आप सभी पीडीएफ को चेक करें, आपको सभी के सभी मिल जाएंगे आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।